नमस्कार, मैं हूं अजय देवगन। आपने हाल ही में कितनी बार सुना होगा कि किसी की मृत्यु अचानक कार्डियक अरेस्ट से हो गई। अगर कभी आपके सामने कोई अचानक कोलैप्स हो जाए या बेहोश हो जाए तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं। अगर उनकी सांस बंद है और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो ये एक कार्डियक अरेस्ट है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नजदीकी हॉस्पिटल में फोन करें और एक कार्डियक एम्बुलेंस बुलवा लें। अगर भीड़ जमा हो गई है तो बोलिए कि आपको CPR आता है और सबसे मदद की रिक्वेस्ट करें। उस व्यक्ति को एक हार्ड सरफेस पे लेटाएं। अगर आसपास कहीं AED मशीन हो तो मंगवा दें। अब आप जल्द से जल्द इस पोजीशन में आकर अपने हाथ ऐसे जोड़ें। पेशेंट के चेस्ट के बीचों बीच कंप्रेशन शुरू करें। आपका यही कंप्रेशन उनके खून को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। याद रहे, कंप्रेशन 100 या 120 बार प्रति मिनट की स्पीड से करें। हर बार छाती को 2 इंच तक दबाएं और ऊपर आने दें। अगर AED मशीन आ जाए तो उसे चालू करें और पैड्स को पेशेंट पर लगाएं। मशीन के इंस्ट्रक्शंस को सुने। No one should touch the patient. और शॉक दें। शॉक एडवाइज। ये मशीन गलत शॉक नहीं दे सकती। आप चिंता ना करें, पेशेंट को नुकसान नहीं होगा। एम्बुलेंस के आने तक CPR चालू रखें। अगर पेशेंट को होश आ जाए तो CPR देना रोक दें। हमारे देश में रोज कितनी जाने कार्डियक अरेस्ट से जा रही है। CPR से अगर इनमें से कुछ जाने भी बच जाए तो और क्या चाहिए? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? नमस्कार।